टू माई चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करने के कुछ आइडियाज। तो दिवाली आने वाली है, ऐसे में हम सब लोग अपने घर को तो डेकोरेट कर ही रहे हैं, तो फिर डाइनिंग टेबल को कैसे मिस कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक नया लुक मेरे डाइनिंग टेबल का, जो आज तक आपने मेरे व्लॉग्स में नहीं देखा होगा। और जो भी चीजें मैं इसमें यूज कर रही हूँ इसको सजाने के लिए, उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप खुद के लिए भी चेकआउट कर सकते हैं। इनमें से मैक्सिमम चीजें जो है वो मैंने अमेजोन से शॉप की है और थोड़ी बहुत होम सेंटर की है, तो मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वैसे मेरे चैनल पे अभी काफी दिनों से दिवाली थीम वीडियोस आ रहे हैं, मैंने आपके साथ में कुछ हॉल वीडियो शेयर किए हैं शॉपिंग के, कुछ मैंने आपके साथ में डेकोर वीडियो शेयर किए हैं और होम सेंटर का टूर भी शेयर किया है। तो अगर आपने इन सब वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है और आपको इंटरेस्ट है तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और आगे और भी अमेजिंग वीडियोज आने वाले हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब मैं लेट नहीं करती हूँ, फटाफट दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपने डाइनिंग टेबल का मेकओवर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है मेरा डाइनिंग एरिया जहाँ पे है मेरा डाइनिंग टेबल। अगर आपको मेरे डाइनिंग एरिया का डिटेल में टूर वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने सारे ही डिटेल शेयर किए हैं जो भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है उसके बारे में, तो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये है मेरा डाइनिंग टेबल, इसके ऊपर मैंने क्या क्या रखा है चलिए पहले वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स रखा है जो मैंने आइकिया से लिया था, इसके अंदर में रहते हैं मल्टीविटामिन्स और माउथ फ्रेशनर वगैरह। इसका कलर है ग्रे और वैसा ही कलर रखा है मैंने फ्लावर वेस का भी, दोनों को मैच करके। और फ्लावर वेस में जो ग्रे कलर है वैसा ही मैंने शैंडलियर भी रखा हुआ है, तो शैंडलियर को और फ्लावर वेस को मैंने एकदम ही मैच करके लिया था ताकि दोनों ही हल्का सा स्मोकी ग्लास के कलर में आ जाए। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखती हूँ मैं प्लेसमैट्स, ये मैंने होम सेंटर से लिया था, ये थोड़ा हार्डबोर्ड वाला प्लेसमैट्स है, बहुत ही अच्छा रहता है, पर अब ये ऑनलाइन अभी नहीं मिल रहा है, आप चाहे तो होम सेंटर जा करके चेकआउट कर सकते हैं। साथ में रखती हूँ मैं यहाँ पे कॉपर जग, और ये वाला ग्लास मैंने रणबीर बरार के सेक्शन से लिया था, अगेन होम सेंटर से। उसके अलावा यहाँ पे रहता है ये एक सॉल्ट कंटेनर और ये फोक एंड स्पून का होल्डर, ये सब मैंने लिया था वेस्ट साइड से। और ये जो आप ट्रे देख रहे हो ये आइकिया का था, तो इसमें कंपार्टमेंट दी हुई है जहाँ पे मैं डिवाइड करके रख सकती हूँ फ्लावर वेस को, स्पून होल्डर को। तो फिलहाल ये ऐसा दिखता है, यूजुअल डेज में मैं ऐसा ही रखती हूँ डाइनिंग टेबल को, ज़्यादा कुछ क्लटर नहीं करती, इतना ही रखती हूँ। तो चलिए सबसे पहले प्लेसमैट्स को हटाते हैं, सब चीज़ों को हटाते हैं और डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा साफ करते हैं, उसके बाद डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मेरा जो डाइनिंग टेबल है ये शीशम वुड का है, इसका जो मेजरमेंट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने कस्टम कट करवाया था ताकि मेरे रूम पे फिट आ जाए। तो ये प्रॉपर ना तो 6 सीटर है ना तो प्रॉपर ये 4 सीटर है, ये कस्टम मैंने करवाया है डिज़ाइन। उसके अलावा इसके लेग्स देख लीजिए, बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं मुझे, प्लेन सिंपल लेग्स नहीं है। और साथ में रखती हूँ मैं कुछ चेयर और बेंच रखती हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाए। तो सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसमें रनर, दिवाली का थीम है तो मैंने थोड़ा सा ब्लिंग वाला गोल्डन वाला लिया है रनर, तो ग्रे कलर का थीम है, उसमें गोल्डन सी ये डिज़ाइन बनी हुई है, बहुत ही अच्छी सी इसमें चमक आ जाती है। तो थोड़ा सा रखेंगे पूरा थीम को ग्रे गोल्डन और ऐसे वाले थीम पे ही। साथ में मैं यहाँ पे रख रही हूँ ये देख लीजिए एक ट्रे, ये मैंने आपको दिखाया है ऑलरेडी अमेजोन हॉल वीडियो पे, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। उसके ऊपर रख दूंगी मैं ये ग्लास का फ्लावर वेस, ट्रांसपेरेंट होने से अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो हैवी भी नहीं लगता है। अंदर मैंने कुछ लीव्स डाल दिए और ऊपर मैं प्लेस कर दूंगी मैं ये फ्लावर, बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर के हैं, ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है, तो इसके इसको ऊपर मैं डाल दूंगी, काफ़ी अच्छा लग रहा है ग्रे पिंक और ये सी ग्रीन का कॉम्बिनेशन, साथ में गोल्डन का चमक भी आ जा रहा है। फिर मैंने यहाँ पे मंगवाए हैं कुछ नैपकिन्स, तो इसको भी मैंने अगेन गोल्डन और डार्क ब्लू में रखा है ताकि ग्रे के साथ ये ब्लू बहुत ही सुंदर जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये भी अमेजोन का है। साथ में मैंने मंगाया है कुछ यहाँ पे नैपकिन रिंग सेट, ये भी अगेन अमेजोन से मंगाया है, 6 के सेट में आता है। तो अलग अलग तरीके से आप नैपकिन को प्लेस कर सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे, चाहे तो आप उसको फोल्ड करके उसमें ये रिंग डाल दीजिए या सिंपल वैसे भी नैपकिन आप प्लेस कर सकते हो। We'll be right back.
दिवाली है तो थोड़े लाइट्स तो होने ही हैं, तो ये गोल्डन उर्ली है, बहुत खूबसूरत लगता है, इसमें मैं प्लेस कर दूंगी ये लाइट। ये जो लाइट है ये फ्लावर के साथ ही आता है, मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है अमेज़न हॉल वीडियो में, तो साथ में देखिए काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है पूरा ही थीम, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। ये अगेन एक टी लाइट होल्डर है, यहाँ पर 7 टी लाइट आ जाते हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगी और उसमें लाइट्स डाल दूंगी, क्योंकि दिवाली की थीम है तो कैंडल्स लाइट्स वगैरह तो होने ही होने हैं। कॉपर जग को रिप्लेस करेंगे इस ग्लास बॉटल के साथ में, और साथ में रख देंगे ये कोस्टर, ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था, बहुत ही प्यारे कोस्टर्स हैं। और जो मैंने पहले ग्लास यूज़ किया था रणबीर बरार वाला, उसको भी रिप्लेस कर देंगे। उसके बदले मैं ऐड कर रही हूँ ये एक्वा ब्लू कलर के ग्लास, ये मैंने अभी रिसेंटली होम सेंटर से परचेस किया है। बॉटल और ग्लास के कलर में ही मैंने ये टी लाइट होल्डर भी लिया है, ये भी मैंने होम सेंटर से परचेस किया है, ये सेट ऑफ 12 में आया है, तो इसे भी यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि छोटे छोटे जब इस वाले टी लाइट होल्डर में कैंडल्स जलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं दिखने में। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये ज्योमेट्रिक पैटर्न के प्लेट्स, ये भी अगेन होम सेंटर का ही है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, बहुत ही प्यारे प्लेट्स हैं ये। और साथ में ऊपर रख दूंगी मैं ब्लू कलर के ये साइड प्लेट, और उसके ऊपर रख दूंगी बोल, तो इस तरीके से हम डिनर सेटअप कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही मॉक सेटअप करके दिखा रही हूँ, दो ही लोग हैं हम लोग, तो मैं दो ही सेटअप करके आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद कुशन कवर को मैं चेंज कर रही हूँ और रख रही हूँ यहाँ पे ग्रे एंड गोल्डन थीम में कुशन कवर, तो ग्रे कलर के जो मेरे रनर थे उससे मैच कर जाएगा, और गोल्डन थीम तो है ही, तो गोल्डन कुशन कवर रख दिया। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूं कि सब कुछ साथ में कैसा लग रहा है। बताइएगा, मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो, इनमें से कुछ आइडियाज आपने पिक किया हो। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, ट्राई किया है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए। और उसके साथ में मेरे घर में बहुत सारे होम डेकोर के आइटम्स हैं जो बार बार आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट करके, उन सब का भी लिंक मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूं, ताकि आप जब चाहे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ये रहा मेरा हैंडल, वहां पर मैं आपके लिए कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ, और आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।